नमस्कार एन स्टूडियो में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे सीनियर सेकेंडरी बायोलॉजी में सम कॉमन ह्यूमन डिजीज के ऊपर डिजीज का मतलब क्या है डिजीज से हम क्या समझते हैं आज इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए हम कवर करेंगे बीमारियों के कई पक्ष। प्रकार के बारे में किस तरीके के सिम्टम्स और किस तरीके के कॉजिटिव एजेंट्स रिलेटेड होते हैं इन डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज में इन्फ्लुएंजा मीजल्स पोलियो हैपेटाइटिस ट्यूबिकलोसिस डिप्थेरिया लेप्रेसी मलेरिया फ्लरसिस एंड डेंगू हम बात करेंगे इन विषयों पर इनके सिम्टम्स पर इनके प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पर और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कुछ जो बीमारियां हैं वो कैसे हमारे बॉडी ऑर्गन्स को अफेक्ट करती हैं साथ ही साथ हम इस विषय पे भी चर्चा करेंगे कि हाइपरटेंशन में किस तरीके से ब्लड प्रेशर का रोल होता है और कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं आगे बढ़ते हुए हमारे जो दूसरे विषय हैं उनमें हम हार्ट डिसीज़ और डायबिटीज़ एंड एनास्टोप्रोसिस जैसी बीमारियों के बारे में भी बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कैंसर क्या किस तरीके का डिसऑर्डर है किस तरीके की परेशानी हमें कैंसर के दौरान होती है और इसमें कितने तरीके के कैंसर्स होते हैं बेनाइन मेगलिनंट और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा इम्यून सिस्टम किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है डिफरेंट एलर्जीज़ के लिए और साथ ही साथ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और ड्रग एब्यूज के बारे में भी जानेंगे अब हम बात करते हैं व्हाट इज अ डिजीज डिजीज मींस नॉट एट ईज एब फंक्शनिंग ऑफ बॉडी एनी माल फंक्शनिंग प्रोसेस व्हिच इंटरफेयर विद द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड अ डिजीज किसी भी तरीके की परेशानी किसी भी तरीके की कमी हमारे बॉडी प्रोसेस में या मेटाबॉलिक फंक्शंस में हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करती है उसको हम डिजीज़ कहते हैं अगर कहना चाहें तो आ, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम आगे बढ़ें कि माल फंक्शनिंग किस तरीके का और डिजीज़ को हम अगर दूसरे शब्दों में डिफाइन करें तो ये एक तरीके का फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो आ, उसके कारण कुछ भी हो सकते हैं जैसे कि न्यूट्रिशनल डिफिशेंसी कह लीजिए जेनेटिक डिसऑर्डर्स कह लीजिए और डिफरेंट एक्सटर्नल एजेंट्स पैथोजेंस भी उसका एक कारण हो सकते हैं डिजीज़ मेनली जो कॉज अभी आज हम जो चर्चा का विषय रहेगा हमारा वो ये रहेगा कि हम जो बीमारियां हैं उसमें जो एक्सटर्नल एजेंट्स हैं लाइक वायरस फंगल आ, और बैक्टीरिया कैसे अपन मतलब डिजीज़ इंड्यूस करने में हमारी बॉडी में इंड्यूस करने में आ, आ, कारगर होते हैं और किस तरीके से हम उसको कंट्रोल करते हैं डिजीज़ को अगर हम आ, आगे बढ़ने ज, आ, और डिटेल में जानना चाहें तो डिज़ीज़ को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे देर इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन डिजीज़ की डिज़ीज़ दो तरीके से हम उसको क्लासिफाई करते हैं कि एक कॉन्जेंशल एक, एक, डिजीज़ है एक एक्वायर्ड डिजीज़ है कॉन्जेंशल डिजीज में अगर हम बात करें तो ये प्रेजेंट सिंस बर्थ ये मतलब जिसे कहते हैं कि विच इज़ प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ एंड दे आर कॉज बाय द किसी भी टाइप की जेनेटिक एबनॉर्मैलिटी और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और माल फंक्शनिंग ऑफ एनी ऑर्गन की वजह से हो सकती है बट वहीं अगर एक्वायर्ड डिजीज़ को कहें विच में अकर आफ्टर बर्थ ड्यूरिंग वंस लाइफ टाइम जैसे इंसान बड़ा होता चला जाता है और उसकी डेवलपमेंट होता रहता है तो उस वो कई चीज़ों के लिए आ, आ, प्रोन हो जाता है कई इन्फेक्शन्स के लिए भी प्रोन हो सकता है तो एक्वायर्ड डिजीज़ डेवलप आफ्टर द बर्थ अब एक्वायर्ड डिजीज़ को अगर हम आ, आगे बात करते हैं तो एक्वायर्ड डिज़ीज़ को हम दो तरीके से भी डिवाइड करते हैं इसमें अगर देखा जाए तो ये है कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज तो कम्युनिकेबल डिजीज में ये डिजीज तब होती हैं जब किसी भी तरीके का बायोलॉजिकल एजेंट स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन मतलब कम्युनिकेबल डिजीज जैसे कोरोना आज हम बात करते हैं जैसे कोरोना को अगर हम देखें तो कोरोना एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है जिसकी वजह से एक पूरी सोसाइटी इम्पैक्ट है कोरोना में जिस तरीके के सिम्टम्स हमने देखे कि हाई फीवर और आ, बिल्कुल बॉडी पेन तो ये आप जैसे हमारे को बोला जा रहा है कि मास्किंग करना ज़रूरी है मास्क लगा के रखिए एक दूसरे से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखिए और टाइम टू टाइम अपने हाथों को धोएं तो ये कम्युनिकेबल डिज़ीज़ का अगर सबसे बेहतरीन अगर, अगर मैं एग्ज़ाम्पल की बात करूं तो अभी कम्युनिकेबल डिज़ीज़ में हम कोरोना का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़ वो होती हैं जो विच डू नॉट स्प्रेड फ्राम डिजीज़ पर्सन टू हेल्दी पर्सन मतलब उसमें अगर हम देखें तो कैंसर है एलर्जीज हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एलर्जीज़ हैं डेफिशंसीज डिजीज़ हैं डी जेनरेटिव डिजीज हैं जिसमें डिजनरेटिव डिजीज uh, मतलब कि अगर हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को डिवाइड uh, करें तो हम पांच तरीके से इनको डिवाइड कर सकते हैं इनके डीजेनरेटिव डिजीज डेफिशिएंसी डिजीज़ एलर्जीज कैंसर और अदर डिजीजे डीजेनरेटिव डिजीजेज में अगर दे इज अ माल फंक्शनिंग ऑफ वाइटल बॉडी ऑर्गन डीजेनरेटिव डिजीज में और डेफिशिएंसी डिजीज जिसकी हमने पहले भी बात की है और हमने पहले भी हमारा एक uh, कार्यक्रम था जिस पर हमने चर्चा की थी कि न्यूट्रिशनल uh, डिजीजेजैसे हो जाती हैं क्योंकि आजकल की uh, दिनचर्या में हम देखें तो हम बहुत ही अलग अलग तरीके के जंक फूड को अपने डाइट में लेते हैं एक बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं जिसमें काफी मिनरल डिफिशेंसीज होती हैं तो जैसे गोइटर है आयोडीन की कमी से गोइटर होता है और विटामिन ए विटामिन बी इस तरीके की कमियों की वजह से वो न्यूट्रिशनल डिफिशेंसीज होती हैं अब इसमें आगे बढ़ें तो एलर्जीज अगर हम बात करते हैं तो एलर्जीज़ कॉज ड्यू टू हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द बॉडी टू सर्टेन फॉरेन सब्सटेंसेस और कैंसर uh, जो है एक काइंड ऑफ जेनेटिक मतलब कॉज ड्यू टू अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज़ ये एक बॉडी uh, डिसऑर्डर uh, कह लीजिए जब बॉडी एक ऑर्डर में काम नहीं करती है और एक प्रोसेस um, में uh, एबनॉर्मेलिटी आती है तब हम इसको कह सकते हैं कि इस तरीके की बीमारियां होती हैं और अदर डिजीज में अगर हम कहें तो वेरियस फिजिकल फैक्टर्स और एजेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अदर डिजीजेस एक्वायर्ड डिजीज़ में जैसे हमने बात की कि एक्वायर्ड डिजीज़ कैन बी स्टडीड अंडर टू डिफरेंट कैटेगरीज़ कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में मैंने जैसे बताया कि कोरोना इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ कम्युनिकेबल डिजीज़ में uh, इट इज़ कॉज बाई सम बायोलॉजिकल एजेंट्स और पैथोजेंस सचेज वायरस जैसे कि अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में डिफरेंट कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में हम बात करेंगे जिसमें uh, हम बात करेंगे कॉलरा हम बात करेंगे डिप्टेरिया uh, uh, या मतलब इस तरीके की जो बॉर्न uh, डिजीजेज हैं उनके बारे में बात करेंगे और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ ड्यू टू सम स्पेसिफिक फैक्टर्स सच एज़ माल फंक्शनिंग ऑफ सम वाइटल ऑर्गन्स एंड डेफिशंसी ऑफ न्यूट्रं जिसको मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन एंड बट इन केस ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर ये एक दूसरे के व्यक्ति के थ्रू नहीं होती है कि एक डिज़ीज़ पर्सन अगर हेल्दी पर्सन के कॉन्टेक्ट में आए और उसकी वजह से वो बीमारी हो जाए नहीं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में आ, कैंसर डायबिटीज़ ये इस तरीके के एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं तो बेसिकली दॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़ हमारा आ, कंसर्न क्यों होता है क्योंकि जो ये डिज़ीज़ होती हैं ये एक पूरी सोसाइटी को इम्पैक्ट करती हैं जैसे कोरोना है वो इम्पैक्ट कर रहा है पूरे वर्ल्ड को एक मतलब एक पेंडेमिक की किस तरीके से फैला है ये और उससे हम उभर नहीं पा रहे हैं और न, न जाने कितने लाखों लोग शायद मैं लाखों भी कम बोल रही हूँ करोड़ों में लोग अपनी जान से हाथ धो रहे हैं और ये सिर्फ और सिर्फ एक वायरस की वजह से ये इतनी ज़्यादा उसके म्यूटेंट्स हमारे उसमें एटमॉस्फेयर में हैं तो ये इजीली हम लोग मैं शायद गलत ना होंगे कि बहुत सारे लोग अब कोई हमारा परिवार या हमारे घर ऐसे नहीं अछूते रहे हैं कि इस तरीके की डिज़ीज़ से वो कोरोना से इम्पैक्ट ना हुए हों तो इसलिए इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने लर्नर्स तक ये बात पहुँचाना चाहूँगी कि आप अपने घर में रह रहे सभी मेंबर्स का आप अपने तरीके मतलब अगर आप कहीं बाहर से आते हैं तो प्लीज़ एंड प्लीज़ आप अपने हाथों को धोएं अच्छे से अपने आप को क्लीन करें और आ, मास्किंग जरूर रखें बाहर जब जाएं तो डिस्टेंसिंग और अगर ज़रूरत हो तभी जाएं और अगर नहीं है ज़रूरत तो बिना वजह बाहर ना निकलें तो और यहाँ जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में जो हमारा कंसर्न है दैट इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू पर्टिकुलर इंडिविजुअल हु इज़ सफरिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डिज़ीज़ सो so नेक्स्ट हम मोड ऑफ स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ पे uh, देखते हैं कि ये मोड ऑफ uh, किस मोड से जैसे मैंने आपको बताया कि कोरोना एक एयर बॉर्न डिज़ीज़ है वो एयर में उसका वायरस है तो uh, यहाँ पे हम डायरेक्ट ट्रांसमिशन uh, की बात uh, कर रहे हैं तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द इन्फेक्टेड पर्सन एंड द हेल्दी पर्सन स्मॉल पॉक्स चिकन पॉक्स सेफलिस और गनोरिया uh, ये कम्युनिकेबल uh, डिजीज़ के एग्ज़ाम्पल्स हैं और किस तरीके से ये कम्युनिकेबल डिजीज़ फैलती है अब उस पर बात uh, चल रही है तो ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कॉन्टैक्ट विथ कंटामिनेटेड विद डिज़ीज़ कॉजिंग वायरस एंड बैक्टीरिया एंड एनिमल बाइट एनिमल बाइट में अगर आप कहते हैं कि जैसे डॉग uh, बाइट कह लें तो उसमें रेबीज़ uh, जो हो जाती है अगर कोई वैक्सीनेटेड डॉग नहीं है और वो आपको काट लेता है तो उससे रेबीज होने का खतरा रहता है अब है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन बाय वेक्टर्स सच एज हाउस फ्लाइज मॉस्किटो एंड कॉकरोचेस मलेरिया और डेंगू डेंगू का भी काफी इम्पैक्ट रहा हमारी लास्ट कुछ ईयर में कि हम काफ़ी उसमें भी इंपैक्ट हुए जिसमें प्लेटलेट काउंट -ले, आ, काउंट्स जो थे वो बहुत कम चले जाते थे और मतलब जान का खतरा बनता था तो एयरबॉन में टाइफस है ऑब्जेक्ट बॉर्न में फोनाइट बॉन मतलब इस तरीके के एग्जांपल्स हैं उसमें एंड वाटर बॉर्न डिजीज में अगर हम बोले जैसे इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन जैसे पानी से होता है कॉलरा हेपेटाइटिस और जॉन्डिस उसके एग्जांपल्स हैं तो कम्युनिकेबल uh, डिजीज़ uh, जो होती हैं वो इन्फेक्शस डिजीज़ होती हैं और कम्युनिकेबल डिजीज़ में हम बात कर रहे हैं अभी चिकन पॉक्स की चिकन पॉक्स का जो वायरस है जो जो पैथोजन है दैट इज़ वर्सेला और uh, इसका मोड ऑफ़ ट्रांसमिशन बाय कॉन्टैक्ट और थ्रू स्कैब्स और इसका जो इनक्यूबेशन पीरियड है जो रहता है ये हमारी बॉडी में डेथ दैट्स around 12 to 20 days and these are the some of the symptoms uh, which we will discuss. फीवर ho jata hai, dekh रहता hai, भूख खत्म हो जाती है और uh, dark red color के rashes on, आ जाते हैं बैक पे चेस्ट पे और पूरी बॉडी में वो फैल जाते हैं और कुछ दिनों बाद ये जो छोटे छोटे दाने जो होते हैं दे स्टार्ट ड्राइंग अप एंड ये धीरे धीरे uh, ख़त्म होने लगता है और एक वाइटनेस के साथ ये उसका एक प्रिवेंशन इनके और में अगर देखा जाए तो वैक्सीन है इसका वेरेलिक्स करके और ये इसमें हमें बस इस तरीके की प्रिवेंशन रखनी पड़ती है कि पेशेंट को आइसोलेट करके रखना पड़ता है ज़्यादातर आप देखेंगे कि वायरस रिलेटेड जो डिज़ीज़ होती हैं उसमें आइसोलेशन बहुत बड़ा रोल अदा करता है जैसे कोरोना में भी कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति इन्फेक्ट है कोरोना से या कोविड है उसको तो उसको हम दस से पंद्रह दिन तक उसको आइसोलेशन में रखते हैं तो जो पेशेंट है इस स्मॉल पॉक्स में भी और चिकन पॉक्स में भी हम यही रिकमेंड किया जाता है डॉक्टर रिकमेंड्स करते हैं कि उनको आइसोलेशन में रखें उनके खाने के बर्तन और कपड़ों को प्रॉपरली स्टरलाइज किया जाए और जो उनके द्वारा वो जो उन जो पपड़ी जो उनकी जमती है बॉडी में उसको कलेक्ट करके उसको जला दिया जाना चाहिए तो जो डिजीज़ फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन थ्रू फूड वाटर और कंटैक्ट ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड एनिमल, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ कहलाई जाती हैं और इसमें डिफरेंट कॉज़ेटिव एजेंट्स हैं जिनकी hmm. जिनको हम हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं तो अब मीजल्स में मीज़ल्स uh, का पैथोजन जो है वो है रुबेला और uh, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है बाय uh, एयर एंड इंक्यूबेशन पीरियड इसका थ्री टू फाइव डेज है और इसके सिम्टम्स जो आते हैं वो है कॉमन कोल्ड हो जाता है स्मॉल वाइट पैचेस मुंह की तरफ आ जाते हैं और थ्रोट की तरफ और uh, uh, जिसे कहते हैं कि अपेरेंस ऑफ रैशेज़ ऑन द बॉडी बॉडी में पूरी तरीके से रैशेज फैल जाते हैं और इसका um, क्योर जो है अगेन कैप्टेना आइसोलेशन जो पेशेंट को हम आइसोलेशन uh, में रखना होता है और क्लिनीनेस uh, uh, जो है दैट इज़ मस्ट फॉर टू मेंटेन द मतलब प्रिवेंशन और क्योर और इसमें एंटीबायोटिक का यूज़ एंटीबायोटिक uh, uh, दिया जाता है पोलियो हमारे देश में कभी एक टाइम बहुत बड़ी दिक्कत और परेशानी बन के आया था बहुत ज़्यादा लोग इससे अफेक्ट थे तो इसका पैथोजन है पोलियो वायरस पोलियो वायरस में आप देखेंगे कि जो वायरस या पैथोजन के नाम होते हैं वो ऑलमोस्ट बीमारी से कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं तो आप इजीली इसको समझ सकते हैं और जब आपको एग्जामिनेशन में भी या जो बच्चे हैं सीनियर सेकेंडरी लेवल पे जो लोग हैं हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको इस तरीके का प्रश्न किया जा सकता है कि उन्हें बीमारी का नाम दिया जाए और उसमें कॉजेटिव एजेंट के बारे में पूछा जाए और मोड ऑफ़ ट्रांसमिशन के बारे में और सिम्टम्स एंड प्रिवेंशन एंड क्योर तो उसमें पैथोजन का नाम मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ कि पैथोजन का जो नाम है वो समवेयर बीमारी से कहीं कही ना कहीं जुड़ा हुआ है तो आप इजीली उसको याद कर सकते हैं और उसको एग्जामिनेशन में अटैम्प्ट कर सकते हैं तो हम बात कर रहे हैं पोलियो वायरस के बारे में पोलियो वायरस जो है दैट एंटर्स इन साइड द बॉडी थ्रू फूड और वाटर और इनका इनक्यूबेशन पीरियड है सेवन टू फोर्टीन डेज जो सिम्टम्स हैं इसमें वायरस uh, जो होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है इंटेस्टाइनल सेल्स में और वो ब्रेन में भी जा सकता है थ्रू ब्लड सो ये ब्रेन को भी डैमेज कर सकता है नर्व्स को डैमेज uh, कर सकता है एंड एक पैरालिटिक uh, इम्पैक्ट आ जाता है उस पर पैरलिस हो जाती है तो उसमें स्टिफनेस भी एक सिम्टम uh, है और फीवर लॉस ऑफ हेड सपोर्ट तो uh, एक बहुत बड़ा अभियान चला था पोलियो वैक्सीन ड्रॉप का जो घर घर जाके बच्चों को पोलियो की ओरल पोलियो ड्रॉप्स दी गई थी छोटे बच्चों को और आपने देखा भी हम सभी जानते हैं कि सभी के सभी लोगों के यहाँ पे कहीं ना कहीं एक छोटा बच्चा होता है और उसको मतलब पोलियो की ड्रॉप डिप्टेरिया के इंजेक्शन बीसीजी ये सब इंजेक्शन वगैरह इसलिए दिए जाते हैं कि हम इस तरीके की बीमारियों से बच सकें तो पल्स पोलियो प्रोग्राम जो था हमारी कंट्री में बहुत ही हाई लेवल पे चला था और मेरे ख़्याल से अब जो परसेंटेज ऑफ पोलियो है वो बिल्कुल नील है और इतना ज़्यादा अब इस बीमारी से हमारे देश में लोग प्रभावित नहीं हैं रेबीज़ की बात की थी तो रेबीज़ में हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से डर लगता है और रेबीज़ जो है एनिमल बाइट डॉग बाइट की वजह से uh, मैंने बताया कि इसमें जो वायरस है वो रेबीज़ वायरस है और इसका बाइट अ रेबिड डॉग जिसको रेबीज़ होता है और ये टेन डेज़ टू वन टू थ्री मंथ्स डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ऑफ बाइट अगर आपको पैर में काटा है तो वो कितना टाइम लेता है उस हिसाब से उसके रिएक्शन पे है और uh, हमें याद है कि जब हम छोटे थे तो जब कभी कोई, कोई डॉग बाइट और इस तरीके का हादसा होता था तो अक्सर कभी ये कहा जाता था कि और ये बोला भी जाता था कि बाहर मत जाना अगर कोई डॉग अगर आपको काट ले तो आपको चौदह इंजेक्शन आपके पेट में लगेंगे बट अब थोड़ा सा वो सिनेरियो अलग है अब इंजेक्शन लगते हैं बट पेट में नहीं हाथ में लगते हैं और मगर मैं इसलिए नहीं बता रही कि आप जाके उसके उस चीज़ का महसूस करें आपको इस तरीके की दिक्कत हो बट हाँ ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि कोशिश करें कि आप इन सब मतलब जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनसे बचने की कोशिश करें और इस तरीके का अच्छा चलिए सिम्टम्स की बात करते हैं तो सीवियर हेडेक एंड हाई फीवर इसका एक uh, बड़ा सिम्टम है और पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है मसल्स थ्रोट एंड चेस्ट में और चोकिंग एंड फेयर ऑफ वाटर लीडिंग टू डेथ मतलब कभी कभी इतना ज़्यादा टाइमली अगर उसको डायग्नोज uh, नहीं किया गया या टाइमली उसको ट्रीट नहीं किया गया तो देर आर चांसिस ऑफ डेथ ऑल्सो प्रिवेंशन एंड क्योर में अगर बात करते हैं तो कंपल्सरी इम्यूनाइजेशन ऑफ डॉग्स जो लोग uh, घरों में डॉग्स को पालते uh, हैं तो वो उनका एक इम्युनाइजेशन करते हैं जिससे कि उनकी जो अगर वो किसी को काटते भी हैं तो वो इंटेंसिटी या वो दिक्कत नहीं होती है और या फिर किलिंग ऑफ रेबिड एनिमल्स एंड एंटी रेबीज इंजेक्शन ओरल डोजेज आर गिवन टू द पर्सन बाइटन बाय द रेबिड एनिमल अब है हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस बी वायरस की जो कि कॉज करता है हेपेटाइटिस बीमारी को और इट इज़ मेनली थ्रू कंटामिनेटेड वाटर एंड इसका इनक्यूबेशन पीरियड है 15 टू 160 डेज और इसमें बॉडी एक लॉस ऑफ एपेटाइट एंड नोजिया की फीलिंग बनी रहती है वॉमिटिंग की फीलिंग बनी रहती है और आइज़ एंड स्किन बिकम येलो यूरिन डीप येलो और नेल्स भी उसमें जो कहते हैं कि वो येलो हो जाते हैं और एक एनलाज लिवर होता है इसमें खाने के दौर इसमें परहेज की बात की जाती है कि आपको काफ़ी परहेज रखना पड़ता है हेपेटाइटिस के दौरान बाहर का खाना नहीं खाना होता और काफ़ी फैटी जो फैट रिच सब्सटेंसेस होते हैं वो आपको अपने खाने में नहीं लेने होते हैं ज़्यादातर उसमें रस जो जूसेस हैं उनको रिकमेंड किया जाता है और अब तो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन भी अवेलेबल है इंडिया में बट फिर भी प्रिकॉशन रखना चाहिए कि हम कंटेमिनेटेड वाटर को यूज़ ना करें